नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव को लेकर के एक बड़ी खबर आई है दोस्तों। कोडने में हुए चुनाव में हार के बाद में अब तेजस्वी यादव ने बिहार में क्या जेडीयू से नया रास्ता तलाश सकते हैं या बीजेपी बिहार में कायम स्थितियों को करने में सफलता प्राप्त कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं ITT न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जहां कांग्रेस को इतिहासपूर्ण एक बार फिर से जबरदस्त वोट से सत्ता मिलाया, तो गुजरात की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को जरूर देखना चाहिए बड़ी खबर, क्योंकि जीवी व्हाट्सएप कर रहा है डेटा लीक। जानिए क्या है बड़ी खबर। इसके साथ ठंड के कारण मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को घरों में बने रहने की गई है बड़ी अपील, तो आप भी हो जाए सावधान। और भोजपुरी इंडस्ट्री में छिड़े युद्ध को लेकर के नई तस्वीर फिर से सामने आई है। खेसारी लाल यादव लाइव आए थे कुछ दिन पहले और इसके साथ साथ कुछ नई विवाद भी सामने आई है। इसके साथ बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून को मजाक बनाए देने दिए जाने के बाद में एक बार पुनः फिर से प्रयास करने की जो तैयारी है वो कर जा रही है। और इसके साथ बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी को T20 का जो है कोच बनाया जा सकता है, और कोच ही नहीं वह दिशा निर्देश दे सकते हैं कोच बनकर के, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय होगा। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाए जाने के बाद में आम आदमी पार्टी ने अपना दबदबा कायम किया पूरे हिंदुस्तान पर। इसके साथ बात करेंगे क्या 18 और 28 तारीख को होने वाले बिहार में होने वाले नगर निगम के चुनावों को रद्द किया जा सकता है, इस पर भी सस्पेंस जारी है। इसके साथ आज की बड़ी खबर बात करेंगे अमित शाह ने गुजरात को जीत करके क्या कुछ बताने का प्रयास किया देश की जनता से, करेंगे विस्तार से बातचीत। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जबरदस्त तरीकों से सभी जगहों पर हार हो रही है। कुड़नी में हार हुई थी, यह बात आपने भी देखी। इसके साथ गुजरात में MCD चुनाव में और तमाम विभिन्न हिस्सों में नीतीश कुमार की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। जिस JDU के दम पर बिहार में सत्ता पा करके नीतीश कुमार सत्ता को चलाने का अपना प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा यह बताने का प्रयास हो रहा है कि बिहार की पार्टी जो है वो बिहार समेत हिंदुस्तान पर अपना कब्जा करना चाहती है। लेकिन वही नीतीश कुमार यह भूल जा रहे हैं कि JDU सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी है और ऐसे में उसके क्षेत्र में यानी खुद बिहार में भी उसके अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। कुड़नी में हुए उपचुनाव में नीतीश कुमार की बुरी तरीकों से हार हुई, जहां तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम नेताओं ने अपनी जबरदस्त तरीकों से चुनाव प्रचार प्रसार किया था। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अखिलेश यादव को लेकर के। अखिलेश यादव ने गुजरात की जनता के समीप अपने कैंडिडेटों को उतारा, लेकिन कम कैंडिडेट में महज एक सीट समाजवादी पार्टी ने भी जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी को मिली एक सीट के साथ उन्होंने मैनपुरी पर भी अपना कब्जा और दबदबा जमाया। इसके साथ दोस्तों बता दें कि मैनपुरी की जनता ने जिस तरीके से डिम्पल यादव को वोट दिया, डिम्पल यादव के समीप अपने तमाम जो है वो विश्वास जताए, यह बात के लिए काफ़ी है कि समाजवादी पार्टी पुनः एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कब्जे की तलाश में जुट चुकी है और वह किसी भी हालात में उत्तर प्रदेश से निपटने को तैयार नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में जो है वो समाजवादी पार्टी और एक्टिव हो रही है 2024 के लिए। 2024 में समाजवादी पार्टी कोई बड़ा खेल कर सकती है, इसकी जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार में होने वाले नगर निगम के चुनाव को 18 और 28 दिसंबर का टाइम मिला है। ऐसे में यह टाइम मिले जाने के बावजूद भी ऐसी खबरें आ रही है कि इसे रद्द किया जा सकता है। मिली एक जानकारी के अनुसार इस चुनाव को पुनः फिर से रद्द किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी जिस चुनाव को कराया जा रहा है यह कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन कर चुनाव को कराया जा सकता है। ऐसे में चुनाव को कराए जाने से पहले कोर्ट का फैसला सामने आ सकता है और कोर्ट इस बात का दिशा निर्देश जारी करते हुए इस चुनाव को पुनः एक बार फिर से टालने या फिर इस चुनाव को रद्द करने की अपनी तैयारियों को कर सकता है। फिलहाल ऐसा कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल का टास्क जरूर है, लेकिन महज चुनाव में बचे कुछ और दिनों के साथ अब कैंडिडेटों के नामांकन प्रक्रिया, प्रचार प्रसार प्रक्रिया समेत तमाम प्रक्रियाओं से कैंडिडेट गुजरने लगे हैं। महज कम समय में चुनाव को कराना और उसके साथ साथ नीतीश कुमार को यह बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर हमने पानी फेर दिया
सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को रोकना चाहती है, जबकि वह इस चुनाव को करा करके एक बार फिर से अपने आप और अपने जेडीयू की दबदबा बनाना चाहती है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, ललन कुमार सिंह ही अगले जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, इस बात की जानकारी धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई है। जेडीयू में हो रहे हलचलों से यह साफ हो गया है कि अगला उत्तराधिकारी जेडीयू के जो है वो ललन कुमार सिंह ही होंगे। पुनः एक बार फिर से ललन कुमार सिंह के चेहरों पर लोगों ने विश्वास जताना शुरू किया। नीतीश कुमार के इशारों पर ललन सिंह को मतदाताओं ने अपना मत दिया। पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई के बीच में लोगों ने जिस तरीके से लजिया परेशानी का सबक दिया था, इसको लेकर के कुछ बड़ी खबरें भी सामने आ रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोल डीजल और महंगाई के तमाम मुद्दे जो है हिमाचल प्रदेश में देखे गए। कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता चलाक और आपको बता दें कि बहुत चतुर है, ऐसे में उन्होंने महंगाई के मुद्दों पर वोट दिया है। हमारी जीत महंगाई के मुद्दों को लेकर के हुई है, ना कि हम लोगों की जीत उनसे हुई। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से जो है वह अपने आप की मजबूतियों को करने में जुटे हुई जो वीआईपी है, इसका कुकुड़िनी से जिस तरीके से सफाया हुआ, इस सफाई अभियान के तहत मुकेश सहनी अपने आप की जो अपनी वजूद थी उसे ख़त्म कर चुके हैं, या कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी की दबदबा जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जो उनके ही गढ़ में बीजेपी ने उन्हें समेत जेडीयू को भी पटका है, जिसका समर्थन वो करते हैं। टाटा एक फीचर्स कार लॉन्च करने जा रही है और टाटा के इस फीचर्स कार की कीमत 14 लाख रुपए से लेकर के जी हाँ 22-25 लाख तक हो सकती है और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को टाटा बीट कर सकती है इस कार के तहत, क्योंकि इस कार में जो फीचर्स जो ताकतें दी गई है वह इस बात को बताती है कि अब टेस्ला बड़े जो कंपनी टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी है उसे भी इंडिया में फेल किया जाएगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, एआईएम ने अपने कैंडिडेटों को उतारा, उससे बहुत सारी उम्मीदें थी कैंडिडेटों से, लेकिन उसके बावजूद भी कैंडिडेट एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को निराश करते नजर आए। जिस गुजरात में ओवैसी को बहुत सारी सीटों पे उम्मीदें थी, जिस गुजरात की जनता से वो अपील कर रहे थे, उस गुजरात में उनकी हार जो है वो हुई और इस हार को अब वह कैसे देखते हैं। कुछ लोगों ने फिर से कहा कि बीजेपी की बी टीम होने और इसके साथ साथ वह वोट काटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अगर आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा मौका है। स्टीलों की कीमत अब कम होने वाली है, नए साल में स्टील समेत लोहे की कीमत कम होगी, जो आपके लिए राहत भरी खबर हो सकती है। ऐसे में लंबे वक्त से अगर घर बनाने की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपकी यह प्लानिंग सक्सेसफुल होने जा रही है। आपकी इस प्लानिंग के तहत घर बनाने की प्रक्रियाएँ बहुत सस्ता हो सकेगा, तो ये खबरें जो है वो सामने निकल कर के आ रही है। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ठंड के कारण मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क कर दिया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद में लोगों को और घरों में बुजुर्गों को बने रहने की अपील की गई है। अभी तक कई राज्यों में ठंड के कारण जी हां रेड अलर्ट के साथ साथ लोगों को घरों में बने रहने की अपील की गई। कई राज्यों में बर्फबारी हुई तो कई राज्यों में बूंदाबूंदी के साथ जो मौसम का ठंडा अंदाज है वो देखने को मिला है। ऐसे में घरों में बने रहें, यह आपके लिए बहुत सुरक्षित हो सकता है। इससे अब ज़्यादा और सुरक्षित जो है कुछ भी नहीं हो सकता। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि खेसारी लाल यादव लाइव आकर के जैसे अपनी बेटी के बारे में बोलते नजर आए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज कुछ बड़ी अपडेट्स आई है। खेसारी लाल यादव के फैंस ने पंकज सिंह पर कई जिलों में मुकदमे दर्ज करा दिए हैं और यह मुकदमे मानहानि के हैं, कई मुकदमे कृति यादव के साथ समर्थन के हैं और कई चीज़ें हैं। ऐसे में दोस्तों मुकदमे दर्ज कराए जाने के बाद में खेसारी लाल यादव इन सभी टॉपिक पर चुप हो गए हैं, कुछ भी बोलने से बचना है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी गांधी परिवार का ताकत तो लगा, लेकिन गांधी परिवार की ताकत के साथ जो उम्मीद थी जनता को, उस उम्मीद से बहुत पीछे रह गई कांग्रेस। इस बार के एमसीडी चुनाव देखें या फिर गुजरात का चुनाव देखें या तमाम किसी भी राज्य का चुनाव देखें, हिमाचल प्रदेश को अगर छोड़ भी देते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने उतनी बड़ी वापसी नहीं की जितनी बड़ी वापसी गुजरात में भाजपा ने करके दिखाई। अगर ये सारी चीज़ें होती रही तो फिर यह साफ तौर पर कहा जा सकता
सकता है कि कांग्रेस की विलुप्ति की कहानी लिखी जाने लगी है और कांग्रेस अब धीरे धीरे अपनी सेवाओं को समाप्त करने के कगार पर है। बने रहिए आप हमारे साथ। आईटीटी न्यूज़ के लिए दीपक।